आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है ये मैं बताऊँगी आपको आगे कौन सा वाला प्रोडक्ट है। लेकिन इस प्रोडक्ट का जो मैं आज रिव्यू कर रही हूँ, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ DIY शेयर किया था इसी प्रोडक्ट को लेकर, कुछ मिलता जुलता तो मैंने DIY शेयर किया था। तो वेल हाय गाइस, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोमल्स ब्यूटी में, जहाँ आपको होम रेमेडी, DIY और मेकअप ट्यूटोरियल देखने को मिलते रहते हैं। तो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ये आप देखना चाहते हैं ना कौन सा प्रोडक्ट है, तो चलिए दिखा देते हैं। टन टन गाइस, ये है वो प्रोडक्ट और ये है वयम आयुर्वेदा का मृदुल स्किन कामिंग सो फ्री फेस पाउडर। और इसमें आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट विद सैंडलवुड आलमंड एंड ड्राई रोज़ पेडल पाउडर भी है, मतलब इसके साथ ही बना हुआ है ये सारी चीज़ें। और इसका नेट वेट है 50 ग्राम। जी हाँ गाइस, 50 ग्राम इसका नेट वेट है। तो गाइस चलिए आप पीछे और सब मुड़ के देख लेते हैं कि इसमें क्या है और क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, कैसे यूज़ करना है, क्या है, वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं। और गाइस ये है फेस पाउडर और इसके साथ ही, मतलब मैंने ये तो फेस पाउडर का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, लेकिन थोड़े दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ DIY फेस पाउडर शेयर किया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और गाइस देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या है कि ये पाउडर है इसलिए ये फॉर्म नहीं बनेगा इसके अंदर, जब आप यूज़ करेंगे तो फॉर्म नहीं बनेगा। और नॉन ड्राई स्किन, मतलब ड्राई स्किन बिल्कुल भी नहीं करेगा आपकी, मतलब जो फेस पाउडर यूज़ करने के बाद ड्राई ड्राई हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा ये। और जो आपकी स्किन है, आपकी स्किन को इवन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और जो आपके ओपन पोर्स रहते हैं ना, जो पोर्स रहते हैं आपके, उसको अच्छे से डीपली, अंदर डीपली जाके उसको अच्छे से क्लीन करेगा। और गाइस तो देख लीजिए यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंग्रेडिएंट इसका दिखा देती हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं बहुत ही नेचुरल हैं, सैंडलवुड पाउडर है, कैस्टर ऑयल है, अर्जुन पाउडर है और रोज़ पेटल पाउडर भी है इसके अंदर, टिश्यू फ्लोवर पाउडर भी है, आलमंड ऑयल, आलमंड पाउडर है, सैंडलवुड पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है। तो गाइस इसके अंदर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके फेस को हार्म कर सकता है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप बात कर सकते हैं। और सेल्फ लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे 2019 में ये बना था, दिसंबर 2020 में ये एक्सपायरी डेट है इसकी, तो अभी ये एक साल चल जाएगा, सिर्फ एक साल ही ये चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, तो प्राइस है 225, मतलब 225, और ये फ़िलहाल इतना ही कुछ मिलता है, ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइस नहीं होता है। और ये मैंने purple.com से लिया था, ये आपको वहीं मिलेगा प्रोडक्ट। और गाइस इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो आप इस देख लीजिए, कुछ कागज़ की पैकेजिंग है इसकी, ये कागज़ है और ब्लैक कलर के पेन से इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मतलब आयुर्वेदा टाइप की इसकी फीलिंग्स ही आ रही है, तो ठीक है वैसा ही है। और अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या है। तो आप देख रहे हो ये जिप लॉक है, मतलब जिप लॉक है, आप इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं जाएगा किसी भी तरीके का, अगर आप इसी के अंदर रहने देते हैं प्रोडक्ट को, है ना। तो एक चीज़ और, अब इसके अंदर देख लीजिए आप, एक वुडन स्टिक मिलेगी आपको, ये बहुत अच्छी बात है कि वुडन स्टिक है इसके अंदर, तो कोई भी मॉइस्चर का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है। और इससे आपको ईजी भी होगा पाउडर मतलब लेना इससे, तो ये आपका यहाँ पे प्लस पॉइंट में मिलता है आपको यहाँ पे स्पून के साथ। और ये पाउडर आप देख लीजिए, मैं आपको हैंड पे थोड़ा दिखा रही हूँ पाउडर, तो ये कुछ इस तरीके से आपको पाउडर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको। और ये दिखने में थोड़ा सा सैंडलवुड, मतलब जैसे चंदन की लकड़ी होती है ना, उस टाइप का ये पाउडर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें चंदन का पाउडर भी मिक्स है इसलिए, ठीक है। और ये पाउडर थोड़ा सा दरदरा सा है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रब का भी काम करेगा, थोड़ा दरदरा पाउडर भी है, और आप इससे स्क्रब भी कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हाथों से मत कीजिएगा, वरना स्किन आपकी बहुत ही ज़्यादा जलने सी लगेगी, मतलब बहुत ड्राई, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी आपकी स्किन में, इसलिए थोड़ा आप इसको अच्छे से देख के इस्तेमाल कीजिए हल्के हल्के हाथों से रब करके। तो अब मैं आपको इसको अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी, डेमो दूंगी एक छोटा सा, कि कैसे आपको फेस पे लगाना है और क्या क्या प्रोसेस करनी है आपको इसको अपने फेस पे लगाने से। तो चलिए अब जल्दी से ये डेमो देख लेती हूँ, अपने फेस पे लगा के देख लीजिए कि कैसे ये लगाना है। तो ये रहा वो वयम का आयुर्वेदा फेस पाउडर, ठीक है। और अब मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये स्पून में इस तरीके से लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पून से लेने में इजी पड़ जाता है। तो अब मैं इसको हैंड पे ले रही हूँ, और अब मैं यहाँ पानी के साथ ले रही हूँ, पानी के साथ ही आपको इसको यूज़ करना है। तो ये मैंने थोड़ा पानी भर के रखा है यहाँ पर, क्योंकि मैं सिंक के साथ आपको नहीं दिखा सकती थी बाथरूम में जाके फेस वॉश करके। तो अब थोड़ा सा इसको पाउडर को गीला करेंगे, तो इस तरीके से ये पाउडर बन जाना चाहिए आपका, ठीक है। थोड़ा सा और भी गीला करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब मैं उसी पानी से थोड़ा सा अपना फेस गीला कर लूँगी, पहले आपको फेस गीला कर लेना है अपना,
तो ये सब प्रोसेस मैं अपने बाथरूम में कर सकती थी, लेकिन वहाँ शूट नहीं कर पाती, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको अब देख लीजिए फेस पाउडर लगाना है अपने फेस पे, जिस तरीके से आप मैं देख रहे हो ये लगा लिया मैंने, और आपको हल्के हल्के हाथों से ना रब भी करते चले जाना है। तो ये देखिए मैंने अपने फेस पे लगा लिया है, और थोड़े से ये आपको ड्राई ड्राई लगे तो थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे गिरेगा भी प्रोडक्ट, थोड़ा सा जो इसके जो दरदरे से पाउडर से है ना वो थोड़ा नीचे भी गिरेंगे, तो देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से रब करना है। अब आप बोलेंगे मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, तो एक्चुअली ये वीडियो ही फास्ट मोड पे है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत ही जेंटली अपने हाथों से रब कर रही थी इसको। और गाइज ये सच में बहुत ही अच्छे से डीपली अंदर से क्लीन कर देता है आपके ओपन पोर्स वगैरह को, बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है। तो आप चाहो तो नेक पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नेक भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये फेस पे लगा लिया है। अब मैं इसको लगाने के बाद डायरेक्टली वॉश कर लूँगी, ठीक है, थोड़ी देर रहने नहीं देना है, वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वॉश कर दिया है, और अब आप मेरा फेस देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है इसने फेस पाउडर ने। तो गाइस बहुत ही अच्छा वाला फेस पाउडर है, और अभी मैंने अपना पानी भी ड्राई नहीं किया है फेस का, तो बस आप देख लीजिए कितना अच्छा है। तो आप खुद ही रिज़ल्ट देख सकते हो ना सामने से, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा ये रिज़ल्ट देके जाता है गाइस। और आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया फेस पाउडर है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा पानी ड्राई कर ले रही हूँ अपने फेस का, पैड ड्राई करना है आपको, और फिर मॉइस्चराइज़ कर लेना है अपने फेस को, ठीक है, जैसे आप अपना मॉइस्चराइज़ वगैरह करते हैं उस तरीके से। और तो गाइस मतलब, और हाँ इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ DIY फेस पाउडर भी यूज़ किया है, फेस वॉश पाउडर यूज़ किया है आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर अभी वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो देख लीजिएगा वहाँ से। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, और मेरी नोज़ देख रहे हैं आप, नोज़ भी कितनी मतलब क्लीन हो गई है अच्छे से, मतलब ऐसे मेरे फेस पर ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था मुझे कि थोड़ा सा वाइट हेड वगैरह हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं इसने, ज़्यादा नहीं थे हल्के हल्के से थे, तो बहुत अच्छे से क्लीन वगैरह भी कर दिए हैं इसने। तो गाइज़ मुझे ये पाउडर बहुत अच्छा लगा है, और आयुर्वेदा है, बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा आपके फेस को, तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में एक बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, और इसी तरीके से अच्छी आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाएँ। तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये पाउडर यूज़ किया है या नहीं किया, और नहीं किया है तो फटाफट से इसको यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा और प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ एक बेहतरीन वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।